4:30 बजे मैं उठाऊँ तो मेरा मोबाइल गायब था। अच्छा। और मैंने जैसे लाइट चालू किया, खिड़की खुली हुई थी और बाइक का मोबाइल भी गायब था। एक हफ्ता पहले कब्रिस्तान की दीवार पे टुकड़े मालूम पे बंदा चढ़ के मोबाइल चोरी कर गई। कई घरों से मोबाइल भी जा रहा है, घर में घुस के लोग चोरी कर रहे हैं रात के दिन रात में। कई रिक्शा यहाँ पे लगती है पार्किंग में, यहाँ से रिक्शा हो गए बैटरी जा रही है, और जो बाइक है बाइक खड़े रहती है तो उनके कई टायरे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई बाहर का बंदा तो यहाँ पे आके कर नहीं सकता। अगर चोरी नहीं कर पाता तो रिक्शे का नुकसान भी करता है। देखो मेरी रिक्शे का सामने काटा हुआ भी करवस से फाइबर देख लीजिए, वो फाइबर से ऐसा काटा। अगर चोरी नहीं कर पाता तो नुकसान करके जाता है। आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में हो सकता है, परसों किसी और के घर में हो सकता है। मेरे भी बाजू में जो है एक लेडीज रहती है, तो उसका भी जो है दरवाज़ा जो है खिड़की खोल करके और उसकी मोबाइल चोरी हो गई। ये समझ लो जो 2-4 महीना से चल ही रहा है ये। अगर आप अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन को बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मल से लेके पार्टी वेयर, वेडिंग स्पेशल क्लोथ से लेकर खुद दूल्हे के कपड़ों तक, यहाँ नॉर्मल और एवरेज से लेकर ब्रांडेड इंपोर्टेड कपड़े सभी अवेलेबल हैं। एक ही दुकान में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पहनना चाहते हैं। एक बार विजिट जरूर करें और स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन ट्वेंटी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांजरापुर इलाके में। मेरे सीधे हाथ की तरफ शादादम स्कूल है। ये पीछे जो आप बस्ती देख रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कुछ दिनों से कि चोरी की वारदात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ स्थानिक मौजूद है, आइए इनसे ज़रा जानकारी लेते हैं कि पूरा क्या मामला है। भाई साहब बताएंगे ज़रा, ये आपके हाथ में पेपर कैसा और क्या हुआ है? भाई मेरा नाम आमिर बर्डी है, मैं पांजरापुर में रहता हूँ। रात में 12:30 बजे मैं सोने के लिए गया, अम्मी और भाई हम लोग हॉल में सो रहे थे, तो सामने वाले खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। 4:30 के अलार्म लगाया था पानी के लिए। 4:30 बजे मैं उठाऊँ तो मेरा मोबाइल गायब था। अच्छा। और मैंने जैसे लाइट चालू किया, खिड़की खुली हुई थी और वाइफ का मोबाइल भी गायब था, और अम्मी का मोबाइल वहाँ पे था अलहमदिल्ला, मगर वो बच गया क्योंकि अम्मी तकिए के नीचे रखे। दो मोबाइल गया, एक Note 10S है, एक Note 5 Pro है। तो इसकी जानकारी आपने पुलिस स्टेशन में दी? निजामपुरा सेक्शन में जाके दिए पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने बोले हमारे पास जो है आपके पास जो मोबाइल है Note 10S वो अभी गए, मतलब मैंने हाल ही में 1 साल पहले लिया, उसका बिल बॉक्स था मेरे पास, और Note 5 Pro 5 साल पहले लिया था भूमि वर्ल्ड से जो तमन्ना के, उसका मेरे पास बिल बॉक्स नहीं था। तो उन्होंने उसको इस तरह की वारदात एरिए में हो रही है अक्सर। अभी एक हफ्ता पहले कब्रिस्तान की दीवार से टुकड़े मालूम पे बंदा चढ़ के मोबाइल चोरी कर गया। ठीक, आप बताएंगे जरा क्या चल रहा है मामले में? अभी हमारे पांजरापुर के अंदर ऐसा जो चोरी का जो वारदात हो रही है, कई घरों से मोबाइल भी जा रहा है, घर में घुस के लोग चोरी कर रहे हैं रात के दिन रात में। कई रिक्शा यहाँ पे लगती है पार्किंग में, यहाँ से रिक्शा हो गए बैटरी जा रही है, और जो बाइक है बाइक खड़े रहती है तो उनके कई टायरे जा रहे हैं। तो हमारी यही अपील है कि निजामपुरा पुलिस स्टेशन जो हद है, हमारा जो हद सेक्शन है निजामपुरा चौकी, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे एरिया के अंदर जो हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दे के, हमारे जो DCPs उनके जो नए अभी बैठे हैं DCP नौना ढोले सर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे पांजरापुर में कुछ टीम लगा कर कि हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो वारदात हो रही है तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे कि ताकि ऐसा करने से पहले। इसके ऊपर शक है कि कौन करता है ये सब? अभी शक तो अभी मोहल्ले के अंदर अभी शक तो किसके ऊपर कर नहीं सकते हैं, लेकिन कैसा है कि यहाँ एरिया में जो चोरी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई बाहर का बंदा तो यहाँ पे आके कर नहीं सकता है। लेकिन जो भी है कि जो ढोले सर जो आए हैं, जो DCP सर, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे एरिया के अंदर जो हो रहा है ये वापस ऐसा ना हो कि इसके ऊपर कुछ ध्यान दे के एक्टिविटी बढ़ाए, या तो यहाँ से पुलिस वाले थोड़ा राउंडिंग पे रहेंगे तो थोड़ा मोहल्ला एक्टिव रहेगा। भाई साहब आपका भी कुछ इधर चोरी हुआ? जी सर, जैसे हमारे हम लोग रिक्शा मालिक है, तो रिक्शा यहाँ हमारी जो खड़ी रहती है। अच्छा, ये स्कूल के पास? हाँ, यहाँ पर जो स्कूल हम घर के पास है, अगर रिक्शा खड़ी जो करते हम तो अगर चोरी नहीं कर पाता तो रिक्शे का नुकसान भी करता है। देखो मेरी रिक्शे का सामने काटा हुआ भी करवस से फाइबर देख लीजिए, वो फाइबर से ऐसा काटा। अगर चोरी नहीं कर पाता तो नुकसान करके जाता है। अच्छा। हाँ, ये कंपलसरी है। ये ऐसा कोई कौन कर रही है ऐसा कुछ? ये कौन करता है इसका बता नहीं सकते, जब तक आंखों से देखेगा नहीं तो बोल नहीं सकते ना। CCTV फुटेज है ये इलाके में? नहीं, CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, लगाने का सोच रहे हैं, जितने भी रिक्शा मालिक इधर पे है ये सब सोच रहे कि लगाने के लिए। अभी इसका आगे देखो क्या प्रोसीजर होता है, लगाएंगे हम। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी ये मोहल्ले का नागरिक हूँ, मोहल्ले के नागरिक के नाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ की चोरी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज इनके घर में हुआ, कल हमारे घर में हो सकता है, परसों किसी और के घर में हो सकता है।
तो हम पुलिस प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि तुरंत कोई कार्रवाई करे और इस तरह के हादसे होने से रोका जाए, बस यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब सिद्दीकी है और मेरे भी बाजू में जो है एक लेडीज रहती है, तो उसका भी जो है दरवाज़ा जो है खिड़की खोल करके और उसकी मोबाइल चोरी हो गई। अभी चूंकि वो गरीब है, ये सब जो वाक्य आप लोग बताए हो, हाँ, ये कितने दिन का, यानी ये समझ लो जो दो चार महीना से चल ही रहा है, ये कंटिन्यू चल ही रहा है, हाँ, मगर हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि मतलब पकड़ा जाए, मगर पकड़ में आ नहीं रहा है ना। मगर रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे के लगभग ये काम करता है, 2 बजे तक हम लोग जागते हैं, मगर वो पकड़ में नहीं आता है। सर कौन आदमी है समझ में नहीं आता। हम तो यही पुलिस से बोलेंगे कि इस पर ध्यान दे करके चौकसी किया जाए, इसको पकड़ा जाए, ताकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, है ना, तो जरा ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। देखा आपने किस तरह से यहाँ के इलाके वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चोरी को लेकर, रिक्शे में नुकसान को लेकर। हम प्रशासन से ये अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर चौकसी लगाकर जो ये चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है, उन चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।